छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते मोंगा बैराज से पानी छोड़े जाने पर शिवनाथ नदी में जलस्तर बहुत बढ़ गया है। नदी के किनारे बसे गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। इस वीडियो में देखें ग्राम खांगा, रुदा, चंगोरी, आलबरस, तिरका व आमटी गांव का हाल। घटना रूपों का नदिया देख न का नदिया जौहर दिखत ए है नदिया देखो बाढ़ का पानी वो जो पीछे दिखा था वो है नदिया वो जो वो बड़ा वाला पेड़ दिखा था बाढ़ वाले है नदी जहाँ तक नजर जा रहा है वहां तक पानी ही पानी दिख रहा है। नंदी भगवान डूबने के कगार पर है। इधर सामने नदी
गुल्लू यह मत कर। ये पानी पानी तबाही यहाँ से है भाई, रास्ता बंद। जानते भी दिखाते, ए साइड मत ले भाई, इधर मत ले जा। हमारे भाई मुआयना करते हुए बाढ़ का। ओती कहाँ जा बहु, आगे नहीं जान अपने तिलक नाप ले भाई। दोस्तों ये हाल है ग्राम खाड़ा का। ये हमारे कुलदीप भाई, देखिए अभी घुटवा तक पानी है फिलहाल तो। सामने है दोस्तों शिवनाथ नदी, सामने है और इधर से जाता है ग्राम खाड़ा और बीच में है चंगोरी। और चंगोरी गांव का जो हालत है बहुत ही ज्यादा खराब है। देखिए यहाँ पे एक मस्त लहर बनता हुआ। यहाँ मोंगरा बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसके कारण शिवनाथ नदी के आसपास जितना भी गांव है उसमें कम से कम छाती या उससे नीचे पानी चल रहा है। कहीं कहीं तो पूरा गांव बह गया है, ऐसा स्थिति है। देखिए हमारे लिखन भाई टांग को कैसे, मतलब धार आप समझ सकते हो, उनका टांग या पैर लड़खड़ा रहा है, उनका मछली चढ़ रहा है, ऐसे मस्त कूद रहा है। और ये जो सुनामी आता है तो ऐसे ही जाता है, एकदम सुनामी आता है ना तो ऐसे जाता है। ये रास्ते का सफेद पट्टी दिखाई दे रहा है लेकिन धार गजब चल रहा है। दोस्तों हम लोग शाम को पहुंचे हैं तो थोड़ा लाइट इश्यू है। ऐसे में यहाँ मगर वगर एनाकोंडा घरों में घुस जाते हैं यार, बहुत ही लेकिन खतरनाक मंजर है यहाँ का। ये आलबरस का बाजार और ये बाढ़ का पानी। चलो बताओ क्या खा रहे हो। तांदुला नदी में बाढ़ का कहर लबालब सड़ासड़ चढ़ गया है पानी। हो इसका
ये हमारा पंचायत। दो दिन तीन दिन टाइम लगेगा रे बाबा। कोटिया रोड में दोस्तों बारिश का पानी भरा हुआ है। कैसे करते थे चलना निपोर्ट।